हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेट पे अगर आप कुछ पर्टिकुलर कंटेंट पोस्ट करते हो तो उसकी रीच होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। चाहे हम जॉब करते हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे अपना स्टार्टअप करना हो, चाहे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एक यूट्यूब चैनल रन करना चाहते हैं, कॉलेज की किसी सोसाइटी का कोई कैंपेन रन करना है, फेसबुक पेज को चलाना है, एक क्वेश्चन हमेशा हमारे सामने रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम कब क्या पोस्ट करें कि हमारी रीच सबसे ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे कंटेंट को देख पाए। देखो भाई, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखोगे, कल को आप कहीं जॉब देख रहे हो, इंटर्नशिप देख रहे हो, तो लिंक्डइन पे आपको लोगों से कनेक्ट करना है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंटेंट डालना है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे यूजर्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि इन पांचों सोशल मीडिया का यूज करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, लेकिन किस टाइम आपको क्या कहां पोस्ट करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ताकि यहां से आपको एक नया वैल्यू एडिशन मिले एंड आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे हम स्किल बेस्ड बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स, चाहे वो एक्सेल हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर पाइथन कोडिंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, IoT हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस, स्टॉक मार्केट, जिससे आपको जितने भी स्किल आपको चाहिए होंगे वो सारी की सारी मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स डालते रहते हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंस्टाग्राम की, देखो इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। अब हमें यह समझना है कि क्या बेस्ट टाइमिंग है कि अगर मैं एक इंस्टाग्राम पेज रन कर रहा हूं या फिर मेरा इंस्टाग्राम ब्लॉग है, तो क्या वे आउट है कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो, क्या वे आउट है जो आपने पोस्ट किया वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा यह समझना है कि इंस्टाग्राम को यूज कौन करता है या किस टाइम पे यूज करते हैं। तो जो रिसर्च हुई है, जो एनालिसिस हुए हैं बड़े बड़े, उनके बेसिस में क्या पता चला है कि जो इंस्टाग्राम यूजर्स होते हैं वो ज्यादातर फोन से ऑपरेट करते हैं, इसलिए दे अवॉइड यूजिंग ड्यूरिंग वर्क आवर्स, वो वर्क आवर्स के बीच में इसको यूज नहीं करते हैं। तो फिर हमारे लिए गुड डेज कौन से, जब हमें पोस्ट करना चाहिए, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये आइडेंटिफाई करे गए हैं जिसमें सबसे ज्यादा कस्टमर ट्रैक्शन रहता है। कौन से टाइम में, देखो अगर आप मॉर्निंग में 11 to 1 करते हो तो आप पोस्ट कर सकते हो, ताकि 1 के बाद जो ब्रेक टाइम आता है उसमें लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो सारे पोस्ट देख लेंगे, आपके टॉप में दिखेंगे। या फिर आफ्टर ऑफिस, अगर आप 7 to 9 PM के बीच में पोस्ट करते हो इन डेज में, तो फिर क्या होता है, लोग रात में एक बार इंस्टाग्राम चेक करते हैं आफ्टर 9 o'clock, तो आप देख सकते हो कि वहां पे कस्टमर ट्रैक्शन ज्यादा रहता है, ज्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो आपके पोस्ट की रीच ज्यादा रहेगी। जो बैड डेज हैं, जब आपको इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं पोस्ट करना चाहिए, दैट इज संडे, बिकॉज संडेज जो होते हैं जनरली लोग या तो बाहर घूमने जाते हैं या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इंस्टाग्राम पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। इंस्टाग्राम इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस बस्टर एंड संडे अपने आप में ही स्ट्रेस बस्टर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज, ये टाइमिंग आपको यूज करनी चाहिए अगर आप इंस्टाग्राम पे अपनी फॉलोइंग, अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो। इंस्टाग्राम के बाद अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक के लिए गुड डेज कौन से होते हैं। जो जनरल ऑब्जर्वेशन की गई है वो ये की गई है कि जो फेसबुक यूजर्स होते हैं वो ऑफिस में थोड़े थोड़े जो टाइम होता है वो उसको ऑफिस में कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे ऑपरेट करते हैं जब भी इनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, या फिर अपने फोन में ऑपरेट करते हैं जब भी डाउन टाइम होता है। तो जो गुड डेज बोले गए हैं वो एक तो थर्सडे फ्राइडे बोले गए हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली यहां पे वर्कलोड कम होता है। अगर आप देखोगे बैड डेज, मंडे ट्यूजडे वीक की स्टार्टिंग में ज्यादा वर्कलोड होता है तो लोग फेसबुक को कम यूज करते हैं, बट थर्सडे फ्राइडे को कंपैरेटिवली कम वर्कलोड होता है तो फेसबुक ज्यादा यूज होता है, एंड वो भी कब, सेकंड हाफ ऑफ द डे। तो जो जनरल जॉब टाइमिंग होता है पूरी दुनिया में, दैट इज 9 to 5, तो भाई अगर आप 1 to 4 के बीच में कुछ पोस्ट करते हो तो आफ्टर लंच अगर आप पोस्ट करते हो तो लोग जनरली फेसबुक उस टाइम यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक होता है लंच के बाद, थोड़ा लिथार्जिक हो जाता है इंसान, तो वो थोड़ा सा फेसबुक पे टाइम स्पेंड करता है, आपके पोस्ट की रीच, आपके पोस्ट कि जो व्यूअरशिप है वो इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है, जो रिसर्च कहती है कि सैटरडे संडेज भी अच्छे दिन है जब आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आप सैटरडे संडे में पोस्ट करते हो तो लोग जनरली घर पे होते हैं या फिर इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी हॉलीडे, उस टाइम वो बीच बीच में फेसबुक को यूज
करते हैं। तो अगर आप फेसबुक पे कोई कैंपेन रन करना चाहते हो, कोई आपका बिजनेस पेज है, कॉलेज सोसाइटी पेज है, या अपना खुद का कुछ इनिशिएटिव है, तो इन डेज में पोस्ट करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी रीच बढ़ने की। इसके बाद लिंक्डइन, लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हम लिंक्डइन की बात करें कि लिंक्डइन कौन से दिन ज्यादा चलता है, तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहां पे रिक्रूटर्स, एचआर, कंपनी के हेड्स, ये सब लोग आते हैं। तो अगर आप एक नई जॉब लेना चाहते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने आप को किसी एचआर से कनेक्ट करना चाहते हो, किसी सीईओ से कनेक्ट करना चाहते हो, किसी फाउंडर से टच करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन से बेस्ट डेज हैं? तो बेस्ट डेज हैं आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्यों? क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो लिंक्डइन को ज्यादा यूज करते हैं, वो मंडे को तो यूज कम करते हैं क्योंकि वीकेंड के बाद आते हैं तो काम इतना ज्यादा होता है। फ्राइडे को कंपैरेटिवली कम यूज करते हैं क्योंकि भाई जल्दी जाना होता है, तो वो सोचते हैं मंडे से स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ये देखा गया है कि जनरली ज्यादा लोग अपना लिंक्डइन चेक करते हैं, एंड जो बेस्ट टाइम होता है दैट इज मॉर्निंग टाइम, 10 से 11 AM के बीच में, क्योंकि इंसान ऑफिस आते ही देखता है मेरे लिंक्डइन पे क्या अपडेट्स है, मैंने कल किसी प्रोफेशन से फॉलो अप किया था, या फिर अगर मैं एक फाउंडर हूं तो मैं उस टाइम ऑनलाइन जाके देखूंगा लिंक्डइन पे कि मेरे पास क्या क्या मैसेजेस आए हुए हैं, क्या क्या इनपुट्स आए हुए हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब ज्यादातर लोग ऑनलाइन होते हैं, एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंक्डइन जो यूज होता है वो वर्क आवर्स में यूज होता है, एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, इसीलिए सैटरडे संडे में लीस्ट विजिबिलिटी लिंक्डइन की होती है, कोई भी लिंक्डइन को चेकआउट नहीं करता है, तो इस टाइम आपको पोस्ट यहां पे नहीं करना चाहिए। अगर हम लिंक्डइन के बाद बात करें ट्विटर, ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मुझे हैशटैग चलाने हैं तो जनरली ये देखा गया जो लंच टाइम होता है वहां पे ज्यादा चलते हैं, ट्विटर की जो सबसे ज्यादा रीच आती है वो वीकडेज में आती है। तो मंडे टू फ्राइडे आपके गुड डेज होते हैं जहां पे आप ट्विटर के कैंपेन्स, ट्विटर के हैशटैग रन कर सकते हो। जो बेस्ट टाइम रहता है पोस्ट करने का वो समवेयर अराउंड 12 to 2 PM रहता है, एंड सैटरडे संडे में ट्विटर पे रीच जो है वो कम रहती है। तो ये रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप लंच टाइम में पोस्ट करते हो ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे, तो आपके जो पोस्ट है उनकी रीच बाकी डेज, बाकी टाइमिंग से ज्यादा रहेगी। उसके बाद बात करते हैं आज की दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब। भाई यूट्यूब पे आज के डेट में बहुत सारी ऑडियंस है, सारे के सारे लोग यूट्यूब पे जाते हैं, एंड उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं। तो अगर आप अपने लेवल पे कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, अपना कोई चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ऑडियंस को समझना एंड सही टाइमिंग पे चीजों को पोस्ट करना। तो यूट्यूब पे जो भी चीज चलती है वो एल्गोरिथम बेस्ड चलती है। एल्गोरिथम मतलब कि उसका एल्गोरिथम इस तरह से है कि अगर आपने यूट्यूब पे अभी कोई वीडियो पोस्ट करी है तो आफ्टर 3 to 4 hours वो इंडेक्स होती है ना आपके सब्सक्राइबर्स या फिर पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स के होम पेज पे जाती है, रिकमेंडेशन पे जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें समझनी होंगी कि आपकी ऑडियंस कैसी है एंड कौन सी बेस्ट टाइमिंग है। तो अगर मैं गुड डेज की बात करूं तो आपके पास या तो थर्सडे फ्राइडे के गुड डेज होते हैं जब आप कुछ पोस्ट कर सकते हो, तो अगर आप थर्सडे फ्राइडे को कुछ पोस्ट करोगे तो वो इंडेक्स हो जाएगा एंड सैटरडे संडे के डेज में वो सबके होम पेज पे दिखने लगेगी। एंड जो रिसर्च कहती है वो रिसर्च ये कहती है कि सबसे ज्यादा जो व्यूअर्स है वो यूट्यूब को यूज करते हैं वीकेंड्स में। तो वीकेंड्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है सैटरडे संडेज में। तो अगर आप थर्सडे फ्राइडे को कुछ पोस्ट करोगे तो सैटरडे संडे तक वो लोगों के होम पेज पे दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चैनल बनाना चाहते हो जहां पे आप डेली कंटेंट डालना चाहते हो, तो डेली कंटेंट डालने के लिए आपका बेस्ट टाइम क्या है? अगर आप वीकडेज में पोस्ट करते हो तो बिटवीन 12 to 4 PM पे अगर आप पोस्ट करोगे तो आप देखोगे 4 से 5 घंटे में, मतलब अप्रोक्सीमेट 7 से 8 बजे तक उस दिन वो उसके होम पेज तक चला जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब वो उसके होम पेज में दिखने लगेगा, जिसके वजह से हो सकता है वो जो आपका व्यूअर है वो इसको देखे। तो अगर आप डेली बेसिस पे बिटवीन 12 टू 4 डालते हो तो 7 से 8 बजे तक वो वीडियो इंडेक्स होती है एंड उसके बाद वो लोग उसे देख सकते हैं। एंड अगर आप वीकेंड्स में डालना चाहते हो, आप मॉर्निंग में 9 to 11 AM के बीच में डालो, जिसकी वजह से 2 से 3 बजे तक वो भाई उसके होम पेज पे इंडेक्स हो जाएगी, जिसके बाद लोग ज्यादा यूट्यूब देखना प्रेफर करते हैं। डेली बेसिस पे वो आफ्टर ऑफिस आवर्स देखना प्रेफर करते हैं, इसलिए ये वाला टाइम सूटेबल है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हो, या फिर आप पर्सनल लेवल पे भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहते हो, अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च के डेटा मैंने आपको शेयर करे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्टेंट पसंद आया है, चैनल को लाइक करना, वीडियो अगर आपको लगी है क्वालिटी है तो वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, एंड हमारा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो, स्किलबस ऑफिशियल। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।